मेरे पास सर 355 रेट आके शेयर है सर, जनवरी में लिए थे मैंने 121 के रेट से। अभी सर ये टॉप पर चल रहा है, क्या मुझे इसमें रुकना चाहिए या फिर किसी स्टॉप लॉस के साथ में बने रहूं? इतना पैसा तो कमा लिया है, और कितना कमाना चाहते हो ये बताओ। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ सर कि सही समय है निकल जाने का है। राजेश जी देखो हमारे दर्शक कितने स्मार्ट हैं, पैसा बन गया तो तुरंत बताओ क्या करें, पैसा अभी से और बनेगा क्या, तो इसमें रुके रहे क्या दिक्कत? धर्मेंद्र जी रुके रहोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? 6-7 महीने तक आराम से रुक सकता हूँ। ओके 6-7 महीने और रुक सकते हैं, बताइए इरेडा। देखिए अगर नीरज जी देखिए अगर 6 और 7 महीने की बात है तो मुझे लगता है कि यस यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैक्शन बन रहा है, और मुझे याद है हम लोग 161 71 80 हर लेवल पे यही कह रहे हैं कि इसे इसे होल्ड रखे, इवेंचुअली ये 200 के पार चला जाएगा। आज देखिए 220 पे खड़ा है, और मुझे अभी भी लगता है नीरज जी ये 250-260 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड करेगा, लेकिन थोड़ा वक्त देना चाहिए, 6 महीना आई थिंक दैट इज सफिशियंट। बट एट द सेम टाइम 220 है, ऐसा नहीं है कि ये वन वे चलेगा, थोड़ा बहुत हल्का होगा 200 के आसपास आएगा, तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा पोजिशनली पोजिशनल ट्रेडर हो तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, अगर मिलता है तो ऐड कर लें। मिलता है तो ऐड करें, बेचने की जल्दबाजी ना करें, 6 महीने रोक के बैठें, और जब दोबारा मन करें बेचने का तो एक बार फिर पूछें। मैं ये सारे ज्ञान आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिस सेगमेंट में काम करती है ना वो बहुत तेज़ी में है, सोलर वाला, ये सोलर की फाइनेंसिंग करते हैं। तो धर्मेंद्र जी भैया पैसा तो बन गया आपका, लेकिन फिर भी जल्दबाजी मत करना, अभी स्टॉक में बहुत दम है।